आ जाओ, नहीं है कोई भी नहीं है, चलो रोक दिया। और रियल में वो चबूतरा था जहाँ पे किसी में बोल दिया। तो गाइस मेरे से डबल डबल बेलदारी कराई जा रही है, एक तो मेरे से व्लॉग बनवा रहे हैं, ऊपर से मुझे बैग भी दे दिया देखो। तो गाइस अब चल रहे हैं हम लोग मथुरा के लिए हैं, और यहाँ से हो चुके हैं, और अब शाम तक ये भैया को पकड़ लिया अपन ने, शाम तक अब इनको निचोड़ेंगे अपन, बस शाम तक अपने साथ ही हैं ये, बस ये लास्ट हमको स्टेशन छोड़ेंगे। भैया वो ऑटो वाले भैया खतरनाक आदमी है, पता नहीं मथुरा की कौन कौन सी गलियों में घुमा रहे। आ रहे आ रहे, हम भी आ रहे, उतरो वाले भाई साहब खतरनाक आदमी है, पता नहीं मथुरा की कौन कौन सी गलियों में लेके आए। अब वो ना अरे मकान बने हुए महल के अंदर बने हुए हैं, और उस टाइम पे ये नहाने धोने का घाट बना हुआ है यमुना का, ये यहाँ पे नहाते धोते थे, यहाँ पे नहाते धोते थे, और अब तो पूरा बंद कर दिया, ये देखो आप पूरी मिट्टी भर भर के पूरा बंद कर दिया, और ये सामने यमुना जी है ये देखो। अरे ऑपरेटिंग करा दी थोड़ी थोड़ी वाह। तो गाइस ये है यमुना नदी, और ये बोटिंग यमुना जी में बोटिंग चलती है ये, और आपको अगर बोटिंग का आनंद लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। और ये सामने कंस का महल है जहाँ से, और ये कंस स्थाना है, यहीं पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और यहीं से ही यमुना जी पार करा के वहाँ ले गए थे। तो गाइस ये है कंस का महल, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे, ये यमुना नदी और ये कंस का महल है। हम भी महल में जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ नीचे जो लोकल आए हैं उन्होंने बोला के भैया मत जाओ, कुछ भी नहीं है, कचरा ही कचरा हो रहा है, पूरा महल खंडर हो रहा है, और आपको झूठ बोल बोल के पैसे और लूट लेंगे आपसे, तो इसीलिए हम लोग महल में नहीं जा रहे। ये देखिए आप यहाँ पे, ये पूरा कंस का महल है ये, और अभी हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश में अभी मंदिर के गेट खुलने वाले हैं, और ये देखो यमुना में बोटिंग हो रही है, ये यमुना किनारे देखिए आप, यमुना किनारे ये झूला झूला जा रहा है यमुना किनारे। वो तो देख देख के देख रहा, ये कूदेगा ये। गजब यार मजे ले रहे हैं, तो देख मथुरा की गलियों में, और क्या आराम और ठंडाई आ रही है यहाँ पर। और ये बंदर है ना, ये कुछ भी छीन के ले जाते हैं, तो इनसे पंगा नहीं लेना यहाँ पे। और गली ये है शायद। अरे अंकल जी, ओ भाऊ जी, मथुरा दीश जी इधर से। बंदर इतने बदमाश है कि चश्मा मोबाइल पर्स कुछ भी छीन के ले जाते हैं, फिर आपको उनको कुछ चीज देनी पड़ेगी तब वो आपको रिटर्न करेंगे। मैंने भी चश्मा खोल के जेब में रख ली, वहाँ पे एक अंकल बोल रहे थे कि चश्मा खोल के रख लो, वरना अगर इन्होंने छीन ली तो बहुत मुश्किल से देंगे ये लोग, तो इसीलिए। तो अभी फिलहाल हम यमुना किनारे किनारे भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर पे चल रहे हैं।
तो यह है भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर, यहाँ से चलेंगे फिर कृष्ण जन्मभूमि। और ये बाजार है पूरा, बब्बू ले ये पकड़। कर लिए और अब चलते हैं जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पर कलिया यहाँ की मथुरा की देखिए आप। और जैसे ही दर्शनों के लिए भीड़ लगी गलियों में, देखो आप एकदम से ट्रैफिक हो गया। हम आए थे तब से लगा था, अभी देखो एकदम से। तो चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, अब कृष्ण जन्मभूमि चलते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं। कंस की मैंने आपको जो महल था, ये वैसे महल के अंदर का हिस्सा ही है, पूरा पुराना शहर जहाँ भी होता है महल के अंदर ही होता है। तो गाइस यमुना भ्रमण के लिए हमने भी ये बोट करी है अभी, और तीन चार कहा, और हमने यमुना घाट घूमने के लिए बोट कर लिया है गाइस, और हमारी पूरी फैमिली बैठ गई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था, और यहीं पे ही ये महल का जो घाट है वो भी यही है जो कंस की रानी थी। हाँ। सती हो गई थी, उसको बोलते सती घाट। अच्छा, कंस को मारने के बाद कंस की रानी सती हो गई थी। तो गाइस ये जो खंबा दिख रहा है सामने, ये है सती घाट। यहाँ पर कंस को मारने के बाद जो कंस की रानी थी वो यहाँ पर सती हो गई थी। क्या कर रहे हैं अंकल जी? ये लोग ये श्रृंगार कराते हैं, जमराज जी का श्रृंगार कराते हैं, पूजा कराते हैं, पूजा करा कर साड़ी पहनाते हैं जमराज जी को वहाँ से। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक बोट से पहनाएंगे। अच्छा, तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये लोग हैं, ये श्रृंगार घाट है, ये यमुना जी को जो है अभी यहाँ पे चुनरी ओढ़ाएंगे, तो ये नाव के जरिए यहाँ से और दूसरे किनारे तक लेके जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा, तो फिर वो यहाँ यमुना जी में उड़ाएंगे। अच्छा अच्छा, यशोदा जी और जो गोपियाँ होती थी वो स्नान करने आती थी। हाँ, आप बताओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ से जमुना जी पार करके इस रास्ते से गोकुल लेके गए थे, तो फिर यहाँ तो घेरा है ना अंकल जी, तो माया रूपी जाल था, भगवान का चक्कर था। अच्छा 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 अच्छा, फिर घुटनों तक पानी हो गया। अच्छा, तो गाइस ये जो पहले मैंने महल घाट बताया था, वहाँ से जो है भगवान कृष्ण को जन्म के बाद में, और यहाँ से यमुना पार करा कर, ये जो सामने गेट दिख रहा है, ये सामने गेट दिख रहा है, यहाँ से गोकुल लेके गए थे भगवान को उनके पिता जो है। तो गाइस आ गए दूसरे घाट पे हम लोग, और अब हम चलते हैं यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि। लो आ जाओ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम दूसरे किनारे पर पार्किंग वाले स्लॉट पे, और यहाँ से अब हम चलेंगे। दूसरे का
युद्ध छिड़ गया कंस की नगरी में, कंस की नगरी में यहाँ पर देखिए गाइस युद्ध छिड़ गया है, जबरदस्त तरीके से युद्ध छिड़ गया यहाँ पर, और बीच बचाव के लिए सारे लोग हैं पर वो मान नहीं रहा है, दोनों में युद्ध छिड़ गया। चलो अब हो गया युद्ध खत्म, बस एक ने हार मान लिया और ये युद्ध हुआ बहुत भयंकर और दोनों में से एक कैंडिडेट जीत चुका है। ग्रेट खली राम जन्मभूमि नहीं कृष्ण जन्मभूमि। अब ये है कृष्ण जन्मभूमि और हम दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण के जहाँ जन्म हुआ था जन्मभूमि के, और यहाँ पर लग रही है लाइन। ओ भाई साहब जन्मभूमि ये देखिए मथुरा, और यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं एंट्री गेट में, यहाँ निरीक्षण होगा तो मोबाइल बंद कर लेता हूँ, मोबाइल वगैरह सब बैग में जमा हो रहे हैं और अब अंदर का ब्लॉग नहीं बनेगा तो वापस बाहर आके ब्लॉग बनाऊंगा, बाकी सब सामान यहाँ जमा करा देते हैं। तो ठीक है, दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और अंदर बहुत ही सुंदर दर्शन हुए भगवान के, और वो जन्म स्थान था जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और वहाँ दीवारों पे जो है चित्रण भी किया हुआ है, और रियल में वो चबूतरा था जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, काल कोठरी टाइप है पूरा, बहुत ही अच्छा दर्शन और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। चलते हैं अपने ऑटो रिक्शा की तरफ और कुछ चाय वाय पीते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद में फिर अपन चलेंगे स्टेशन की तरफ। गाइस खाना वाना खा लिया हमने होटल पे और कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करके खाना खा के, और अब हम लोग अब निकलने वाले हैं अपने शहर के लिए, बस आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है। हो गया मैं काला काला चलो चलो भैया आ जाओ, नहीं है कोई भी नहीं है, चलो रोक दिया। तो गाइज ये था हमारा मथुरा वृंदावन और गोकुल की सीरीज जो हमने आपके लिए 3 से 4 पार्ट में दी है। आई होप आपको सारी सीरीज पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, और इसी तरीके से अपनी मेहनत चलती रहेगी। पिछला चैनल जो मेरा डिलीट हो गया, वरना अब तक तो पता नहीं आपका भाई कहाँ होता। खैर कोई नहीं, नई शुरुआत करिए, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार और साथ बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक आप मेरे शॉर्ट्स देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए जिससे कि मैं नई नई सीरीज लाता रहूं और बहुत आगे ये चैनल ग्रो करे आपके भाई का। ओके बाय।